मानस फाउंडेशन लुधियाना वालों मनोविज्ञान के मरीजों की देखभाल सैमीनार का आयोजन किया गया। इस सैमीनार विच 150 तो वधेरे केयर गिवर्स ने भाग लिया। इस मौके श्री हरीश राय टांडा चीफ पार्लीमेंट्री सैकटरी प्रोग्राम विच मुख मेहमान वजो पहुंचे। प्रोग्राम विच डॉक्टर अजीत अवस्थी प्रोफेसर ऑफ साइकैट्री PGI चंडीगढ़ ने उचेचे तौर ते शिरकत कीती अते मनोविज्ञान नाल संबंधित मरीजां दी अते उन्हां दे परिवारिक मैंबरां वल्लों किवें देखभाल कीती जाणी है इस बारे जागरूक कीता गया। डॉक्टर संदीप चौधरी अते डॉक्टर संदीप गुरबर वल्लों भी मनोविज्ञान नाल संबंधित रोगां बारे अते उन्हां दे इलाजां बारे जाणू करवाया गया। समुचे प्रोग्राम दा आयोजन डॉक्टर राजीव गुप्ता प्रोफेसर ऑफ मानस फाउंडेशन लुधियाना वालों किया गया। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता टैगोर नगर के सिकायटरी की प्रैक्टिस करता, पिछले 30 साल हो गए। मैं मेरी वाइफ डॉक्टर अतिमा गुप्ता एक असी चैरिटेबल सोसायटी रन करते हैं जिसका नाम है मानस फाउंडेशन। और इस सोसायटी का मेन परपज है कि पब्लिक न मानसिक बीमारियों बारे च, नशियां दे बारे च, टेंशन डिप्रेशन दे बारे च, शराब की वरतों के बारे च, या सोसायटी दे विच जो मानसिक तौर पर बीमारियां आ रही है गियां, या लाइफ के प्रेशर्स बन रहे है गियां, उन्हां दे बारे दे विच लोगों नूं जानकारी देनी, उन्हां वास्ते एजुकेशन मटेरियल तैयार करना। साडी तरफों पिछले 3-4 महीने दे विच लुधियाना सिटी दे विच ही 1 लाख तों ज्यादा बुकलेट पंजाबी दियां नशियां दे उपर ते मानसिक बीमारियां दे उपर स्कूलों दे विच, कालजां दे विच, यूनिवर्सिटी दे विच डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईयां हैगियां। जिहड़ा अज दा प्रोग्राम हैगा ये साडे जिहड़े मरीज हैगे आ उन्हां दे रिलेटिव्स वास्ते हैगा जिहड़े इन्हां नूं देखभाल करते हैगे। सो सब दा जिहड़ा प्रोग्राम हैगा एक एजुकेशनल मोटिवेशनल एक लर्निंग एक्सपीरियंस हैगा साडे वास्ते भी ते पेशेंट दी फैमिली वास्ते भी। डॉक्टर राजीव गुप्ता ने जब से पैन कार्ड 35 साल हो गए लुधियाना में आए हुए, तब से ही साइकेट्री उनका एक ऐसी स्पेशलिटी है जिनका उनके साथ बड़ा अच्छा प्रेम प्यार हुआ है, क्योंकि इनके घर के माहौल जो बाकी चीजें थे उन्होंने उनको इस स्पेशलिटी की तरह अट्रैक्ट किया, क्योंकि इनको पता था कि साइकेट्री प्रॉब्लम क्या होते हैं, इनके क्या कष्ट होते हैं, सिर्फ इनके मरीजों के ऊपर क्या भावनाएं प्रकट होती हैं, सिर्फ उनके वास्ते नहीं लेकिन जो मरीजों के जो केयर गिवर्स होते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। साइकेट्रिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है इसमें सिर्फ मरीज को सफरिंग नहीं होती, इसमें सारे का सारा जो उनका परिवार, जो उनके मित्र दोस्त गुआंढी सब इन्वॉल्व, समाजिक दुनिया के विच चलते चलते यही देखिया कि इस बीमारी के शिकार व्यक्तियों समझ आ गया है, उन्होंने आले दुआले नजदीक संबंधी पहला तो समझ नहीं सकते कि उन्होंने बीमारी की है, जो समझ भी आ जाए तो उसका इलाज कितों कराना है इस चीज का भी एहसास है। चिड़िया नाते हालात होंगे हैं कि सालों साल लगातार निरंतर जंजीर के बने लोगों का भी कथन सामने आता है। इस समस्या को सही ढंग के हल ना किया जाए जिवें डॉक्टर कौर ने जिक्र किया, रिश्तेदार दोस्त संबंधी आंढ़ी गुआढ़ी समाज के लोग विक्टिम भी बन रहे हैं। जिहड़े तुसीं इत्थे अज आए हो लोग तुहानूं मुबारकबाद देना चाहुंदा कि तुसीं उह बिरलिआं चों जिहड़े दुख समझ के जिहड़े पेशेंट्स नूं सांभ जां तुसीं डॉक्टर साहब नूं भी फेस टू फेस सिचुएशन लाईआं होणियां मजोरिटी पेशेंट्स नूं सांभ वाला। सब तों पहलां ते मैं कहांगा कि मैं वैलकम, बहुत मेरी खुशी है कि मैं तुहाडे विच आया। किसी भी डॉक्टर वास्ते जरा कि संस्था डॉक्टर का हो गए उन्होंने हाथ होगा जिन्हें कोई मजा नहीं देना होगा, मुझे बड़ी चाह होगी कि आपने उस विरासी दायरे जो बाहर निकले और उस समाज में ना जुटे हकीकत ना जुटे, और ये जरा इनिशिएटिव मानस फाउंडेशन ने
ਡਾਕਟਰ ਅਰਪਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਮਾਣਾ ਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਗੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਰੀਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਸਥੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਰਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਈ ਓ ਇਟ ਟੂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਬੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ ਨਾਟ ਏ ਬੈਡ ਆਫ ਰੋਜ਼ਸ ਫਾਰ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਰਫ ਐਂਡ ਟਫ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਮਿਲ ਜਾਊ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੇ ਆ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਢਾਈ ਹੋ ਸਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਇੰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਈਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਏ ਸੀਐਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਸਵਾਲ ਕੋਲ ਲਗਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕੈਸਲਾ ਕੋਡ ਹੈਬਿਟ 26 ਮਈ 1990 He decided to take this strange step. He jumped in this canal. Tend and bar me the body mili. Aur the result ki hoya ke main khud kinne mahine uske baad main khud depression chala gaya ke bhai main responsible si apne father ki death ka. Main darwaza kabhi chale band karke rakha. See unfortunately jinni progress aaj economic progress ho rahi hai. Aaj jada bachcha go to baar nikalda baar de gate chu ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਸਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਮਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਫਾਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਹੈਗਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਪੜਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੜਿਆ
सारा इंफेसिस आज सोसाइटी का इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे लगा हुआ है और मैं 1911 में आने चला एक एग्जाम्पल है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सिटी में कि मेरी 90% प्रैक्टिस में यही है इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कारण ही है इस इम्प्रूवमेंट किस किस्म कह लो तो सैर कर ला फिर असर करनी है फिर क्या सर्दी है फिर क्या बरसात हो रही है यानी ना हिलन लाइक बहाना चाहिए सो टोटल एम्फेसिस इकोनॉमिक प्रोग्रेस से चला गया और उसके कारण की समस्या आ रही है स्कूल के बच्चे थे लेडीज थे पेरेंट्स थे ग्रैंड पेरेंट्स थे हर बंदे थे स्ट्रेस जरा बढ़ रहे लोगों की डिजायर बढ़ रही है अब उसी अपने फैक्ट्री है लेडीज काम कर रही है या अस्पताल है हर वर्कर को फर्स्ट क्लास कर रहे हैं फर्स्ट क्लास मोबाइल कंप्यूटर होगा फर्स्ट क्लास मोटरसाइकिल होगा उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी उन्हें फर्स्ट क्लास माल आना है तो उधर इतना प्रेशर है गया कमान वास्ते अपनी नीड को पूरा करने वास्ते कॉम्फर्ट्स हर बंदा करता है बहुत कम्फर्ट बात है आज किसी किसी नजर में पूछो तो थोड़ी बेटी से इसकी प्रॉब्लम क्यों आ रही है कभी जैसा दवाई तो मेरा बड़ा बढ़िया तो बेचारा गाँव गया मेरी कोई तो गुस्से का टोल नहीं था वो जो चाहती है मुंह सीट सही नहीं है तो मैं बेटी बस दुनिया के गुस्से में होनी चाहिए पेशेंस नाम देनी कोई चीज नहीं है अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे घर में मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट रहा है 14-15 साल की उम्र में उसको एडिक्शन की बीमारी लग गई और मैं जिस परिवार से संबंध रखती थी वहाँ नशा तो किया प्यार भी नहीं खाई जाती थी मुझे नहीं पता था कि नशा क्या होता है घर में कोई भी मेरा भाई नहीं था एक मेरा बेटा था मैंने समझा यही मेरा भाई है ये मेरा बेटा है उसको प्यार किया न्यूक्लियर फैमिली थी हस्बैंड जो है बात दोस्त कर रहे थे बस मैनेजर तो मैं ये पोस्ट में बिजी थी 14-15 साल की उम्र में बच्चे को जब बेटे को बीमारी लगी बाहर स्कूल में जाके एडमिशन मुझे नहीं पता लगा कि मेडिसिनल ड्रग नॉट ओनली ये शराब वगैरह कुछ भी लेता था बात अब खुली है उसके दोस्तों के जरिए पता लगा कि ये कहीं पर भी डिवोर्स हो जाता है और उसके बाद में मैंने एकदम उस बात को पकड़ लिया बाहर हस्बैंड तो बाहर ट्रांसफर भी रहते थे तो मैंने इसको पकड़ा सभी डॉक्टर्स को भी दिखाया हम तो इंग्लिश के पढ़े हुए हैं वहां रूल है that we cannot give medicine to the child without asking her. I was totally, for 11 years, I was totally devastated till I was directed to Dr. Rajiv. And he gently, by giving me medicines to mix in her water and all and giving her, he gently coaxed her to come to him. He only knows what a bad state she was in. मैं एडिक्शन दे 6 साल रहा मैं हार्ड ड्रग्स आ गया हीरोइन स्मैक वगैरह पीती हूं मैं लास्ट 6 ईयर तो क्लीन चल रहा था इनकमिंग जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा नशे का उस तो बाद नशे तो पहला की लाइफ मेरे वास्ते जी नशे तो बाद की लाइफ और नशे पहला वाला लाइफ ना भी ज्यादा वधिया उसके कारण यह है कि मैं सिर्फ नशा नहीं छड़िया मैं उसके नाल अपनी कमियां जो फैसिलिटी आई इंपल्सिविटी पेशेंस घट होनी वो सारी चीजा मैं लगियां कि जेडे सिम्पटम से मेरे जेडे मैं नशे च लग जाते मैं 5 टाइम्स रिलैप्स शुरू किया वो कमियां मैं दूर किया सो मेरा जो अज का जीवन आ पहले मैं सोचता कि नशे को पहला लाइफ और कि बैठ गया इस तरीके से लुधियाना की कांग्रेस ने एक स्टेप लिया है ओपननेस का कमिटमेंट का और ये आप हैरान होके डॉक्टर अवस्थी को जाते रहते हैं ऐसा स्टेप तो आपके हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है ये सर कहीं भी नहीं है आपसे डॉक्टर से पूछोगे तो आपको कहेंगे क्या लोग आ जाएंगे लोग आगे तो बुरी बात को नहीं कहेंगे तो नेगेटिव बात को नहीं कहेंगे लेकिन अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने ना मेरी प्रेस करके इसको जरूर बाबा और दबाव में मौका जरूर बाबा का दरबार होता है मुझे बुरा लगता है कि आप मेरी प्रेस करते हैं मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता बिकॉज मेरी कमिटमेंट है आई एम कमिटमेंट टू द साइकियाट्रिक पेशेंट ऑफ कांग्रेस आई हैव लर्न सो मच आई हैव गेन सो मच फ्रॉम देयर एंड दिस इज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी वी डोंट नो कि आने वाला टाइम इससे बड़ा क्या होगा कितना सीख पाएंगे सो सबका मैं शुक्रगुजार हूं थैंकफुल हूं आप लोगों ने हिम्मत करी एक ओपननेस की हिम्मत करी कमिटमेंट की हिम्मत करी